नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले भविष्य बेटियों का हो। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन द्वारा तथा महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जिले के लगभग 90 ग्राम पंचायत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। बेटियों को अधिक पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन तथा अन्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को एक रथ को रवाना किया। यह 8 ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक करेगा। सर बात की जाए बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए ये रथ लगभग 90 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। इसके साथ में हमने नुक्कड़ नाटक की टीम भी रवाना की है। शेष बची हुई ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक की टीम और उनके सदस्यों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंदर बेटियों के प्रति जो धारणा बनी हुई है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जैसे कि उनके शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण से लेकर और उनके लिंगानुपात में वृद्धि हो सके जिले के अंदर।